दोस्तों आज हम बात करेंगे डी मार्ट के स्टॉक के बारे में। डी मार्ट के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पे स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो ये स्टॉक है, हमको पिछले एक लंबे समय से यहाँ पर लगातार क्लियर अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हमको स्टॉक में हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी पिछले कुछ ट्रेन सेशन से हमको यहाँ पर स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन गिरावट के बाद भी यहाँ पर स्टॉक ने हमने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया और अभी अगेन हमको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.17% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अगर अभी स्टॉक में और तेज़ी आती है तो यहाँ से भी और तेज़ी की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 3754 का पहला यहाँ पर रजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन या हमको स्टॉक में 3847, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3945, और अगर स्टॉक ने इसको भी यहाँ ब्रेक किया देन या हमको स्टॉक में अगेन 4105, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 4220, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक करेगा देन या हमको स्टॉक में अगेन एक बड़ी तेज़ी एक बड़ी बाइंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अभी अगेन 4370, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 4500 एंड देन या हमको स्टॉक में अगेन 4700-4800 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वहीं यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 3671 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन या हमको स्टॉक में 3582 एंड देन या हमको स्टॉक में अगेन 3487 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज ए नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।